आवाज पकड़ भैया। आज अखिल वैश्य समाज के सभा में अनेक सफल उद्यमी और अपने क्षेत्र के प्रसिद्ध महान और विद्वान शख्सियत मौजूद हैं, जो हमारे समाज और देश के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। समय अभाव के कारण हम अपने समाज से जुड़े कुछ नए नेता और उभरते हुए लोगों की ओर चलते हैं। दीपक वसंत केसरकर 14वीं महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य हैं। वो शिक्षा मंत्रालय और मराठी भाषा मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री हैं। वो सावंतवाड़ी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। रमेश कोरगांवकर मुंबई महाराष्ट्र के राजनीतिज्ञ हैं। वो भांडुप पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। सदा सरवंतर एक भारतीय राजनीतिज्ञ और दादर मुंबई के नेता हैं। वो 13वीं महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य हैं। वो माहिम विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। अनंत नंद बीएमसी की नई सुधार समिति के अध्यक्ष। शिवसेना के अनंत नंद पहले एक समाचार पत्र विक्रेता थे। नर जिन्हें इस पद के लिए नामांकित किया गया था, ये निर्विरोध जीत गए। ये पहली बार है जब कोई अखबार विक्रेता पार्षद बना है और अब नागरिक समिति का प्रमुख बनेगा। भालचंद्र शेखसाट नगर सेवक घाटकोपर, प्रभारी भाजपा मुंबई, नगर सेवक संघ, प्रवक्ता महाराष्ट्र प्रदेश भाजपा। अविनाश नारकर एक भारतीय फिल्म रंगमंच और टेलीविजन अभिनेता है, जो मुख्य रूप से मराठी मनोरंजन उद्योग में काम करते हैं। उन्हें खतरनाक उदय और कॉफी यानी बरच काली जैसी फिल्मों में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। पुसल्ला वेंकट सिंधु, पीवी सिंधु एक बैडमिंटन खिलाड़ी है, भारत के सबसे सफल खिलाड़ियों में से एक मानी जाती है। सिंधु ने विभिन्न टूर्नामेंट में कई पदक जीते हैं। महेश मनगांवकर एक पेशेवर स्क्वैश खिलाड़ी है, जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। जनवरी 2015 में अपने करियर की सर्वोच्च विश्व रैंकिंग में 44वें स्थान पर पहुंचे। 2018 में शतरंज में सलोनी साबले महिला इंटरनेशनल मास्टर, 2017 और 2019 के बीच दुनिया की शीर्ष 100 जूनियर लड़कियों का हिस्सा, आकांक्षी खेल और बेहतरीन प्रदर्शन। रामदीप गुप्ता और संदीप गुप्ता दोनों भाई मृदुभाषी और सहृदय व्यक्तित्व के स्वामी हैं, जो वैश्य समाज के सफल और तेजस्वी उद्यमी हैं। अपने विवेक और कठिन परिश्रम से आज टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपना परचम लहरा रहे हैं। इनकी कंपनी रूट मोबाइल एक अग्रणी क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म प्रदाता है, जो उद्यमों, ओवर द टॉप ओटीटी, खिलाड़ियों और मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटरों को सेवाएं प्रदान करता है। समाज और व्यवसाय के क्षेत्र में इन दोनों भाइयों के योगदान को देखते हुए इन्हें अनेक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एक उत्साही दूरदर्शी व्यक्ति श्री शाली ग्राम शांताराम खाटू इस परियोजना के प्रवर्तक हैं। वो वर्ष 1980 से मसाला उत्पादन की इकाई चला रहे हैं। खाटू मसाला उद्योग को 2007 में सेंटर फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट एंड रिसर्च सोसा पुणे द्वारा राष्ट्रीय उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2022 में सकाल मीडिया ग्रुप का आइडल ऑफ महाराष्ट्र अवार्ड से ये सम्मानित है। कई महान व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में विजयी होकर उभरते हैं। डॉक्टर संतोष कामिलकर उनमें से एक है। बहुआयामी व्यक्ति, वो एक उद्यमी, लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, मालिक, परामर्शदाता और व्यवसायी हैं। इन सभी की कामयाबी हमारे समाज के लिए उदाहरण है और ये सभी वैश्य समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। अखिल वैश्य समाज का उद्देश्य सामूहिक प्रयासों के माध्यम से समाज के सभी सदस्यों को शिक्षा, उद्यमशीलता, कौशल को निखारने और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए दिशा निर्देश मिलना चाहिए, जिससे सामुदायिक सशक्तिकरण और राष्ट्र निर्माण का लक्ष्य रखा जा सके। विजन, विभिन्न क्षेत्रों से वैश्यवाणी समाज को एकजुट कर
और समुदाय के समस्त विकास के लिए प्रयास करूंगा।